हाय गाइस दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सुपर डांसर का ऑडिशन रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है दोस्तों। तो उसके लिए आपको एज लिमिट कितना चाहिए या फिर आपको वीडियो किस तरह से बनाना है, कैसा क्या करना है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग को फुल इंफॉर्मेशन मिल सके दोस्तों सुपर डांसर चैप्टर 4 के बारे में। दोस्तों वहाँ यहाँ पे मैं आपको टोटली सब कुछ, ऑल टोटल A to Z सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। एक वीडियो है उसको शेयर करूंगा मैं आप लोग के यहाँ, एक इंस्टाग्राम में जो पोस्ट किया गया था सोनी टीवी जो किए थे पोस्ट, वो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों आप लोग से इस चैनल में दोस्तों। तो अगर इस चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्द ही मिलती रहे दोस्तों। और जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो प्रोवाइड करता हूँ वो कोई भी नहीं करता दोस्तों, और इस तरह से क्वालिटीज़ कोई नहीं देता है दोस्तों। जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से उतना अच्छा कोई बताता नहीं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट खबर आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। सुपर डांसर चैप्टर 4 के ऑनलाइन ऑडिशंस में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे इस साल आप अपने घर से सीधे सुपर डांसर के मंच तक पहुँच सकते हैं। अगर आपकी एज 4 से 14 साल के बीच में है तो चूज कीजिए अपनी पसंद की लैंग्वेज और भर दीजिए ये ऑनलाइन फॉर्म। आपके फॉर्म पर आपके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन के डिटेल्स भी होने चाहिए और उनकी परमिशन भी। फॉर्म की हर डिटेल पर दीजिए ध्यान, क्योंकि अगर हमें पसंद आया आपका डांस तो आपको कांटेक्ट करने के लिए यही डिटेल्स यूज किए जाएंगे। साथ ही अग्री करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस भी अच्छे से पढ़ लीजिए। फॉर्म सबमिट कीजिए और हो जाइए तैयार ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए। सबसे पहले आप अपना डांस का एक ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, या वीडियो पहले से रिकॉर्डेड है तो उसे अपलोड कीजिए। आप चाहे तो दो अलग डांसिंग स्टाइल्स के वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। ये रहे कुछ टिप्स जो वीडियो बनाने में आपकी सहायता करेंगे। 1, आप 90 सेकंड के दो अलग स्टाइल के दो वीडियोस तक अपलोड कर सकते हैं। 2, ध्यान रहे वीडियो में कोई एडिटिंग या इफेक्ट अलाउड नहीं है। 3, अपना डांस वीडियो हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप मोड पर ही शूट करें। 4, ध्यान रहे कि जहां भी आप शूट कर रहे हैं वहां काफी लाइट हो ताकि आपकी कोरियोग्राफी और आपके एक्सप्रेशन हमें साफ साफ दिख सके। 5, कपड़ों का चुनाव उम्र के मुताबिक और मेकअप कम से कम रखें। 6, अगर आप कोई क्लासिकल डांस फॉर्म का वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपके पैर वीडियो में साफ नजर आ रहे हों। 7, अगर आपका डांस फॉर्म कंटेम्प्रेरी है तो दूर से वीडियो बनाएं ताकि आपका पूरा डांस फ्रेम में फिट हो सके। 8, अगर आप पॉपिंग या ब्रेक डांस रूटीन अपलोड कर रहे हैं तो कपड़े ऐसे पहने जिनमें आपके डांस मूवमेंट साफ दिखाई दे सके। जब आपको लगे कि ये आपका बेस्ट ऑडिशन है तो वीडियो को सबमिट कर दें। किड्स डांस के सबसे बड़े मंच का सीजन 4 आएगा तो हर कोई खुशी से फूला नहीं समाएगा।